कैसे लिया झारखंड, तो जे झारखंड हमने कैसे ले लिया, उनका पत्र वाला भी यहाँ बैठा है, सूर्य सिंह मिश्रा जी बैठा रहती अपनी झारखंड आंदोलन कर रहा है, तो ये बताए की अपनी झारखंड का कैसे ले लिया। तमाम माई काजी सबके जोहार रहते हैं, दादा भैया सबके जोहार रहते हैं। आज सबसे पहले लड़ाई का की लगा आर्य लड़ाई का मुंह कारण की लगा। हम बात का बैरमो दुग्धा से थोड़ा पुटकी की ओर लेके जाइए। पुटकी के धरती में अलगरिया बस्ती पार्वती कुमारी हमरी के दीदी के लाश आज सातवां दिन तक जीएम कार्यालय में रखल है और अगर अंतिम संस्कार ना आए हमरी के रीति रिवाज की लगे कि अगर कोई डेट करा है तो अगर अंतिम संस्कार होना चाहिए। और एक तरफ सरकार नारा दे रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एगो बेटी के लाश वहां सात दिन से रखल है जी भर्ती रखल है जो अगर बाप बीसीसीएल वर्कर रखल है और अगर जमीन पे बीसीसीएल पहले जबरन रोड बनाने का काम कर रहा जब अगर बाप अगर विरोध कर रहे हैं कि अगर नियोजन के बात होना चाहिए नौकरी के बात होना चाहिए अगर बाद हमारे जमीन में रोड बनाना चाहिए कि कोई हमारी जमीन ऐसे ले सका है कि मर्जी ले सका है अगर बाप के चार चार महीना से बैठा गया बीसीसीएल बीसीसीएल सस्पेंड किया गया अगर ये हमारे के पार्वती जी लड़ाई लड़ रहे क्योंकि पार्वती जी पढ़ा लिखा रहा है ग्रेजुएशन कर रहा है कॉमर्स लेके पढ़ा रहा है तो लड़की जाना वाले नियम और कानून जीएम कार्यालय के आना जाना पदाधिकारी से मिलना सब कुछ है लेकिन अगर इंसाफ ना मिल रहा है अंततः अगर लाश मिला है कहा जीएम कार्यालय के महिला शौचालय में फांसी में लगता है और बॉडी तक एक बार तो बॉडी टाइम देखी की अगर गोल नीचू सटा है और घुटना है तो ऐसे की कोई लड़की फांसी लगवा पाएगी और न्याय मिलना चाहिए ना। आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लास्ट में सदन में की बोला बोला कि मेरा फेसबुक और सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कुछ लोग हमको उठा के ले जा रहा है कुछ लोग हमको बोल रहे हैं गुरु जी जैसे आंदोलन बेचा या गुरु जी का बेटा हो नहीं है इस सब बात सब अपने याद रहा है लेकिन अगर हम ही बहन के वहां हत्या है गया है छह दिन से अगर लाश है लेकिन अगर विषय में कुछ आए बोला है तो ऐसा मुख्यमंत्री हम ही चाहेगी आज तो नहीं है महिला शक्ति से बैठा रहा पार्वती जी का न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आज यह सब विधायक सब सांसद मौन है आज जो डीसीसीएल के सीएम जी से बात आई कर रहा है कि जमीन हमार जमीन से कोयला निकल के बेच रहा है और अगर हम विरोध कर लिए तो हमार दीदी की हत्या है कि यह सोचना खातिर हम झारखंड वाला की हमी के बहन सबके भी हत्या है भाई सबके भी हत्या है सोच के हमारी झारखंड वाला आज झारखंड की तमाम विधायक मौन है इसका कारण दिया गया क्या है क्या की बीसीसीएल के यूनियन में तो हमारा आदमी ना हो आज हमारा तो आदमी हो तो बीसीसीएल के चमचागिरी कर रहा हो या तो बीसीसीएल के छठा कभी कोयला जीतेगी हमारे बेटी का हत्या है जीते और हमें बीसीसीएल का कोयला ही से बाहर जाए दवा की मेरा राइट साइड आज बैरमो के धरती लग गया बैरमो के धरती में कुमार जयमंगल सिंह बोला है कि हम लोग लागू करेंगे भाई क्या लागू कीजिएगा आप एक तरफ मगी भोजपुरी का स्वागत करते हैं जब तो विरोध है लागू होता तो बोला मगी भोजपुरी का हटा नहीं जिस दिन मंच में मुख्यमंत्री बोला है कि 1932 नया लागू होता है उस दिन तक टेबल का सबसे पहले थप थप वही और अगर बात फिर दूसरा दिन पे इंटरव्यू में बोल रहे की लास्ट सर्विस सेटलमेंट चले वाला हूँ की बैठो के धरती में हमें झारखंड पार्टी के बैठा ना है कि चुनाव नहीं लड़ सका है चुनाव नहीं जीत सका है 2024 के हमने इंतजार की कर रहा है 2024 के हमने इंतजार की कर रहा है हमारा कहना है कि हमें के रोड नाली सड़क चाहिए थी तो इन्हें डेढ़ लगा की इटा लगा दूसरा के दाग की नियत अधिकरण है लगा आज जो गांव जिला अधिकरण है जहां बीसीसीएल सीसीसीएल बैठा है जहां काम कर ले लो जहां काम कर ले लो अगर बैठा यहां से मैट्रिक इंटर कर लो तो हां झारखंडी आज हम ही खतियान धर जा रहे हैं झारखंडी हो या झारखंड में जॉब कर दो हम लोग बैठा जॉब कर दो इधर दुनिया तो चले तो वहां आज हम ही कभी बहुत साथी सर जय काम कर रहा है छत्तीसगढ़ में रहा है महाराष्ट्र में रहा है तमिलनाडु में रहा अपनी उम्र दर्जा मिला लेकिन तो लड़ाई सीधा सीधी अब आर पार की लड़ाई खतियान की लड़ाई है अभी सो भी हमारे का सभी हो हमने लड़े जब नया बच्चा जन्म लाने
तो छह दिन में छठियारी आ जाए और हम भी जन्म कुंडली भी बनवा लिया ऊपर कि कैसा की चलता है। जन्म प्रमाण पत्र भी बना है लेकिन झारखंड आज 21 साल कह गए लेकिन एक कुंडली बनेगी कि क्या झारखंडी लागो और क्या प्रवासी लागो, क्या वासी लागो और क्या प्रवासी लागो। आज की क्वार्टर क्षेत्र तक तो है देख लो तो आधा में की है गर्मा है हमी के जमीन में लो 2 एकड़ जमीन 1.5 एकड़ जमीन में हमी के नौकरी मिल रहा जो बाहर से काम करे ले लो वो काम भी कर लो हमारे बगल में जमीन मिले लो और घर भी बने लेकिन एक झारखंडी नौकरी में घर बना पड़ा लगी और ये सर यहाँ पड़ा लगी तो किए गए कि शुरू से आप इस तरह स्वभाव के लगा एक कारण हमारी मान सम्मान देगा लेकिन अब ये लड़ाई तो रुक जाना चाहिए। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री बन बोल रहे हो तब रोड नाली शिलान्यास ना आयोग चाहिए गाँव में हवे जमा बिहार कह तो रोड नाली चाहिए तो और बेटा जो नौकरी मिलता तो अपन घर में पड़ जाए से रोड नाली भी बने तो और चापा कल भी डाल तो और बढ़िया मोटर भी लगे तो और पानी सब कुछ भाड़े मिलता है इतना हवे चाहिए क्या हवे चाहिए 24 तक के इंतजार नहीं करना है हमको कहेंगे 24 तक के बहुत लंबा समय आ गए अगर जवाब अभी दे 25 दिन के सदन आ रहे 30 दिन के सदन आ रहे उस सदन का में हमने सब कुछ देख लिए और आज के डेट में छठी और शादी के भी समय आ गए विधायक से बड़ी जोर कर तो की ककर घर के मॉरल है तो जाना है ककर घर छठियारी लागे तो जाना है ककर घर शादी लागे तो जाना है तो अग्नि के सरिया में आइए तो हर मान सम्मान मिलते हो तो हर बेटा की नौकरी मिलते हो मान सम्मान मिलते हो तो नौकरी में मिलेगा नौकरी चाहिए शादी छठी में बुलेगा एकदम यहाँ से प्रण करके चल जा कि कोई विधायक कोई सांसद एकरो तो हर बेटा के शादी में लेना है तो शादी के बाद तो हर बेटा नौकरी कैसे करते हैं तो अगर मान सम्मान कैसे मिलते हैं तो जो बहू बहन के तो वो अगर पढ़ा लिखा तो अगर झारखंड में नौकरी कैसे मिलते हैं इतना चाहिए कि अपना बिहार शादी में बुलाना तो बिहार शादी में भी आज के बाद से कोई विधायक कोई सांसद के नेता नहीं दिया क्या कि ओकर से मान सम्मान तो नहीं के बढ़े वाला ना बढ़े वाला होगी आज के डेट में शादी छठी सब चीज में विधायक सांसद के द्वारा ना बोलेगा तो सब अग्नि और इन औकात का पता चलता है काहे कि भैया तो बन गए आज सभी बोला कि आंदोलनकारी के बेटा मुख्यमंत्री आंदोलनकारी के बेटा मुख्यमंत्री गुरु जी एक आंदोलन कर रहे थी गुरु जी साधार सब आंदोलन कर रहे हैं तो अपनी की आंदोलन कर रहे हैं जो अगर 3,000 के पेंशन और सर्टिफिकेट अगर बेटा के बाबू बने सोखना है कि झारखंड में